बांग्लादेश टेस्ट सीरीज 2022 को लेकर बड़ा अपडेट। भारत को जीत के लिए आज चाहिए केवल 4 विकेट। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया जीत से अब केवल 4 विकेट दूर है। मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 272 रन बना लिए हैं। साकिबुल हसन 40 और मेहंदी हसन मिराज 9 रन बनाकर नाबाद है। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप को 1-1 विकेट मिला। वही मैच के आखिरी दिन यानी आज यानी रविवार को बांग्लादेश को जीत के लिए 241 रन की जरूरत होगी, तो वही भारत को जीत के लिए केवल 4 विकेट लेने हैं। वही चौथा दिन का खेल खत्म होने तक यहाँ पर बांग्लादेश की ओर से यहाँ पर चौथे दिन का खेल की शुरुआत में यहाँ पर बांग्लादेश के ओपनर जाकिर हसन ने अपना डेब्यू में शतक जमाया। वह डेब्यू पर शतक जमाने वाले बांग्लादेश के चौथे बल्लेबाज बने। वही निर्मल हसन सांतू 67 रन की पारी उन्होंने खेली। वही हसन और सांतू ने पहले विकेट के लिए 124 रन जोड़े। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए भारतीय टीम को यहाँ पर 40 ओवर का इंतजार करवाया। वही भारत ने इस टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 404 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी में जो बांग्लादेश की टीम है पहली पारी में 150 रन पर सिमट गए थे। उसके बाद टीम इंडिया की ओर से दूसरी पारी में 258 पर 2 विकेट के स्कोर पर जो पारी है उसको घोषित कर दिया गया था। मेजबानों को जीत के लिए 513 रन का टारगेट दिया गया था। अब बांग्लादेश को जीत के लिए 241 रन की जरूरत है। भारत को अभी 4 विकेट जीत के लिए अभी भारत को चाहिए। वही बांग्लादेश की ओर से यहाँ पर मेहंदी हसन और जो बांग्लादेश के कप्तान हैं साकिबुल हसन दोनों यहाँ पर मैच डटे हुए हैं। दोनों यहाँ पर डटे हुए हैं जीतने के लिए। बांग्लादेश को यहाँ पर आगे यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। भारत को केवल 4 विकेट चाहिए। वही चौथे दिन का पहला सेशन जो है उसमें यहाँ पर बांग्लादेश के ओपनरों का दबाव यहाँ पर दबदबा जो रहा। वह चौथे दिन का पहला सेशन बांग्लादेश के नाम रहा। उनके ओपनर्स ने शतक की साझेदारी की जबकि भारतीय गेंदबाज जो है विकेट के लिए जूझते नजर आए। इस सेशन में 77 रन बने, विकेट कोई नहीं मिला। वही दूसरे सेशन की बात करें तो दूसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों की वापसी हुई। सेशन में गेंदबाजों ने भारत की वापसी करवाई। लंच के बाद तक बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने 57 रन बनाए जबकि भारतीय गेंदबाजों ने 3 विकेट झटक लिए। पहला उमेश यादव ने सांतों को आउट किया और पार्टनरशिप तोड़ी। उसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट दिया यानी 2 झटके उन्होंने मेहमान टीम को यहाँ पर दिए यानी बांग्लादेश की टीम को यहाँ पर दिए। वही तीसरा सेशन जो है उसमें अक्षर की कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली। तीसरे आखिरी सेशन में अक्षर पटेल ने कमाल की गेंदबाजी की। इस सेशन में उन्होंने 2 विकेट लिए, 1 विकेट अश्विन को भी यहां पर मिला। वही शाम की चाय के बाद बांग्लादेश ने 6 रन बनाए जबकि भारत ने 3 विकेट चटका दिए थे।